नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में लगातार ऐसे ऐसे राज अब सामने आ रहे हैं जिसके बाद तुनिशा शर्मा का केस सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि 9 जनवरी को शजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई के बीच कई ऐसे राज खुले जिसमें शजान तो यहां पर कहीं ना कहीं बचता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। और अब बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि कल शजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शजान को मुंबई के वसई कोर्ट ले जाया गया। इस दौरान शजान का परिवार और शजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा कोर्ट पहुंचे और तुनिशा केस में तुनिशा की तरफ से सिर्फ उनके वकील और यहां पर तुनिशा के मामा पवन सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि कल की सुनवाई में सिर्फ शजान खान का पक्ष रखा गया, उनके वकील ने कई खुलासे किए। यहां पर जो खुलासे किए गए हैं वो किए गए हैं तुनिशा की जिंदगी को लेकर। यहां पर अब ये बताया जा रहा है कि तुनिशा ने ब्रेकअप के बाद किसी दूसरे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया था। इस लड़के का नाम अली बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें शजान के वकील की तो उनका कहना है कि ये शख्स तुनिशा का बॉयफ्रेंड है जिससे तुनिशा ने डेटिंग ऐप के थ्रू उससे बातचीत की, उससे मुलाकात की और तुनिशा उसे डेट कर रही थी। यहाँ पर अगर बात करें तुनिशा शर्मा के वकील की तो उनका ये यहाँ पर कहना है कि अभी तक तुनिशा का मोबाइल फ़ोन तक नहीं खुला है, फिर आखिरकार किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तुनिशा के वकील का ये भी कहना है कि जिस अली नाम के शख्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो तुनिशा का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनका जिम ट्रेनर है। हालांकि दोनों के ही दावों में कितनी सच्चाई है इसे लेकर ना तो पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है और ना ही कोई सबूत यहां पर दोनों ही पक्षों की ओर से कह सकते हैं पेश किया गया कल की सुनवाई में। लेकिन हां, आपको बता दें कि तुनिशा के मोबाइल फोन की जो डिलीट किया हुआ डेटा था उसे रिट्रीव कर लिया गया है और साथ ही मोबाइल फोन को अनलॉक भी कर लिया है। इस बात का खुलासा खुद मुंबई पुलिस की ओर से किया जा चुका है और अब ये पता चला है कि तुनिशा ने अपनी जान देने से तकरीबन 15 मिनट पहले इस अली नाम के शख्स को वीडियो कॉल की थी। अब आखिरकार वीडियो कॉल पर क्या बात हुई है जिसके बाद तुनिशा ने ये बड़ा कदम उठा लिया, इसे लेकर के अभी कोई यहां पर बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं शजान खान की जमानत याचिका को जो टाला गया है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शायद अब शजान खान के वकील और भी कई सबूत यहां पर जुटाने वाले हैं। क्या कुछ यहां पर तुनिशा के इस नए बॉयफ्रेंड को लेकर शजान खान के वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आपने एक नए कैरेक्टर का जिक्र किया है कोर्ट में, क्या कहेंगे आप? सभी तो कोर्ट में थे, फिर कुछ नहीं, सभी लोग नहीं थे सर, सभी लोग कुछ लोग नहीं थे। जो कोर्ट में बातें हुई हैं मैं वो यहाँ नहीं बोलूँगा। कोर्ट में मेरी एक आर्ग्यूमेंट हो गई है, सामने वालों ने एक समय मांगा है एक दिन का, परसों दोपहर में वापस से सुनवाई हुई। सर, अली कौन है और क्या रोल है उसका? नो कमेंट। आपने बात कही थी कि मैंने कोर्ट में जो बोला है मैं वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। यू कंप्लीटेड योर आर्ग्यूमेंट्स टुडे, नहीं बात करेंगे। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ यू नो कंक्लूडिंग दिस आर्ग्यूमेंट कंसीडरिंग देयर आर सेवरल एलिगेशंस, आल्सो देयर वाज अ लव बिहाइंड एलिगेशन एंड सेवरल अदर्स दैट यू साइटेड टुडे, व्हाट फॉर्मड द आर्ग्यूमेंट्स टुडे इफ यू कैन टेल अस समथिंग? सी, व्हाटएवर आई हैव आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट, दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट आई शुड डिस्क्लोज ऑल दोस एस्पेक्ट्स। Whatever allegation they have labeled, whatever allegation they are labeling day by day, there is not even an iota of truth in it. It is studiedly false. They are merely aggravating and blowing the whole matter out of proportion. Shizan Muhammad is innocent. He has been innocently framed. Some media people or everybody were there in court. You people have already heard my argument. I have disclosed every facts before the court. Let court take a call on it. सर, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी माँ के भी एक ऑडियो क्लिप बाहर लाई गई है। आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी माँ और तुनिशा के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो ऑडियो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि उनके बीच में अच्छे संबंध हैं। शायद फिर आप लोगों ने पूरा मीडिया का न्यूज़ गौर से सुना नहीं। उनके जो डॉगी घर में आए थे जिसको उनकी माँ दूर दूर तक गले नहीं लगा रही थी, उस दिन उनकी माँ ने वो डॉगी को गले लगाया करके वो ऑडियो भेजा है। उसके बाद का ऑडियो हमारे पास भी है, बट मैं यहाँ मीडिया ट्रायल के लिए नहीं आया हूँ।
मैंने मेरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा है, जो भी आरोप वो लगा रहे लगाने दीजिए उनको, किसी भी आरोप को जहाँ तक लगाना लगाए, पुलिस अपनी जांच अनबायसली करे, सच का सच दूध का दूध पानी का पानी होना तय है। शिजान मोहम्मद वापस से मैं रिपीट करता हूँ बेगुनाह है, उसे इनोसेंटली इस मैटर में प्रूव होना है और उसको फंसाया गया है। सर उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया गया, उन्होंने कहा है कि तुनिशा जिस हालत में लाई गई थी, आज की दलील से ये प्रूव होता है कि शिजान और तुनिशा के आखिरी क्षणों में कुछ बातचीत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आत्महत्या नहीं या हत्या का मामला बनना चाहिए। देखिए वो अभी कल जाके बहुत कुछ बोलेंगे, हत्या है या सुसाइड है पहले तो वो लोग आपस में डिसाइड करें। सुसाइड का एफआईआर भी उन्होंने रजिस्टर किया, हमने नहीं। हत्या का एलिगेशन भी वो लोग डाल रहे हैं। पूरे प्रकरण में उन्होंने डे बाय डे पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है, उन्होंने उन तथ्यों को पुलिस के सामने रखा है जिस तथ्यों में चल के पुलिस को इस पूरे प्रकरण में कुछ मिलने वाला है नहीं। वो दोनों अपने अपने ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए थे और ये बात सत्य है, जो आज उनके वकील ने खुद अपने रिटर्न सबमिशन में एडमिट भी किया है। उसके लिए अब इन सब बातों को हम मीडिया में नहीं लेते हैं, क्योंकि कैसी भी है बच्ची का देहांत हो गया है। सर आज आपने सूरज पांचोली और कई हाई प्रोफाइल केस का भी आपने हवाला दिया है कि उन केस के आधार को और इनको जो है जोड़ने की कोशिश की थी, क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से आपने अपनी दलील दी? क्योंकि मैंने कोर्ट के सामने जजमेंट रखे हैं, वो हमारा कोर्ट का मैटर है, वो छोड़ दीजिए। जजमेंट पे तो हम बात कर सकते हैं शायद। आपको अगर आपका व्यक्तिगत कोई प्रश्न है पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। सर अली के बारे में कुछ बताइए, अली कौन है? सर अली नाम का जिक्र किया था आपने, यही कहा पुलिस की थ्योरी थी कि आखिरी व्यक्ति शिजान है जिसने तुनिशा को देखा या बात किया, लेकिन आज आपके साइटेशन में आज आपकी जो दलीलें थी उसमें बात नहीं निकल के आई कि एक बंदा था जिससे 15 मिनट वीडियो कॉल हुआ था तुनिशा का, उसके बारे में जरा बताएं कि कौन था व्यक्ति या थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी उसके बारे में। देखिए मैटर मेरा सब जुडिस है, ऑलरेडी आपके मीडिया में जिम ट्रेनर का उल्लेख हो चुका है, इसके लिए मुझसे इस मुद्दे पे अभी फिलहाल कोई कमेंट मत कराइए। जिस दिन मेरा सुनवाई हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगी, मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा कोर्ट में कि शिजान को सिर्फ इसलिए इस केस में आरोपी बनाया गया या उसे सलाखों के पीछे भेजा गया क्योंकि उसके रिलीजन की वजह से, उसके धर्म की वजह से। पिछले 3 दिन में कितने सुसाइड्स हुए, आपने तो बहुत कवर किया रहेगा। जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, किसी और को अरेस्ट किया, किसी तरह दूसरों मुद्दों को इस तरह से उछाला गया, सब जानते हैं सच क्या है। तो ये अली वही है जो जिम ट्रेनर, वही अली क्या बात है? नो कमेंट्स, मैंने मेरे पक्ष कोर्ट में रख दिया, आप सभी थे वहाँ पे, कोर्ट का चीज़ मत पूछो, प्लीज रिक्वेस्ट है। शिजान के वकील ने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ बड़ी बातें कहीं कोर्ट में अपनी तरफ से उन्होंने, और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, आगे क्या हुआ? उन्होंने जो उनकी बेल एप्लीकेशन जो अर्ज थी, आज सुनवाई भी हुई, कोर्ट ने उन्हें पूरा समय दिया। उन सुनवाई के समय उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी आज और फाइल किए, फ्रेश फोटोग्राफ फाइल किए, और मेडिसिन के बारे में फाइल किए, करीबन कुछ जजमेंट्स फाइल किए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो विषय देखते हुए क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने फाइल किए आर्ग्यू करते समय, तो हमने डेट मांगी क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसका मुझे भी रिप्लाई देना पड़ेगा, हमको भी हमारे तथ्य बाहर रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने एक और अर्ज की थी कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है आज की जो बेल एप्लीकेशन है वो इन कैमरा में हो, किसी भी पत्रकार को अलाउड नहीं किया जाए, अंदर सुनने नहीं दिया जाए, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उनका ऐसा मानना था कि कुछ विषय ऐसे है जो बाहर निकालना चाहते हैं कैमरे के, और उसका मीडिया गलत इंटरप्रिटेशन करती है, तो मेरे हिसाब से भी आपको ही सोचना पड़ेगा आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स का, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं बोलना, वही बोलेंगे अभी आपको आके। बट मेरा ये मानना था कि आज के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसके लिए हमें भी समय चाहिए था, तो हमने 11 तारीख लिए, 11 तारीख को हम हमारा पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि कोर्ट विल डू जस्टिस टू तुनिशा। ये कहा गया कि आखिरी में लास्ट पर्सन जो था जिसने बात किया तुनिशा से वो शिजान था, लेकिन आज एक नया ग्राउंड रखा गया कि टिंडर पर एक अली नाम का लड़का था जो 15 मिनट तक उसने आखिरी में बातचीत की थी, और पिछली 3 शाम को उसने उस अली नाम के व्यक्ति से टिंडर की मुलाकात की और मुलाकात भी की। कौन है ये व्यक्ति, ये अचानक से कैरेक्टर कहाँ से आया है? अभी तक अगर आपने पुलिस का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बोलना था कि अभी तक तुनिशा का मोबाइल ओपन नहीं हुआ है, तो जब तुनिशा का मोबाइल आईफोन कंपनी का था जो ओपन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली? पहली चीज़ तो अगर शिजान ने इनके वकील को ये बताया है, अगर ये बोलते हैं तो उसको कैसे मालूम कि लास्ट में जब ये खुद इनका आर्ग्यूमेंट था आज कि ये शिजान कमरे से चला गया था, जब कमरे से चला गया उसके बाद 15 मिनट अली ने बात किया उससे, तो ये शिजान को कैसे पता चला जबकि वो मर चुकी थी? ये उनका आर्ग्यूमेंट है। 45 मिनट्स टिल बोथ ऑफ देम वेयर इन द कार मेकअप रूम, वो खुद आज आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि शिजान रूम छोड़ के चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि 15 मिनट तक
तुनिशा से अली से बात कर रही थी, वो ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल आया भी गया भी, सब आर्ग्यू किया उन्होंने। तो सबसे बड़ा डाउट अब ये क्रिएट हो रहा है कि क्या पता तुनिशा जब गाड़ी में बैठी थी उनके साथ तो तुनिशा ने उससे बात की थी क्या, जब वो उसे उठा के लेके गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब तक हम ऐसा बोल रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे कि इट इज 306, नाउ इट क्रिएट अ डाउट ऑफ 302। लेकिन बोला ये जा रहा है कि तुनिशा की माँ से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो आर्ग्यूमेंट में कहा भी नहीं आया, आर्ग्यूमेंट में बात हुई है कि वीडियो कॉल पे बात हुई है। 20 साइटेशंस का जिक्र किया गया, उसमें से कुछ साइटेशंस हाईलाइट किया गया, वो साइटेशंस थे एक्टर सूरज पांचोली, टीवी एक्टर राहुल राज सिंह और अर्णव गोस्वामी, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस या सेलिब्रिटी केसेस को हाईलाइट करके साइटेशंस दिए गए, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए मेरे लिए आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने जो जो साइटेशन साइट किए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि लॉ क्या बोलता है। साइटेशंस समय समय की, हर साइटेशन जो है या तो बेल एप्लीकेशन है या एंटीसिपेटरी बेल है या ट्रायल चल रहा है या चार्जशीट फाइल हुई है, ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक अपने केस में। ये जो साइटेशंस आप साइट कर रहे हो, कम से कम एक एक महीने दो दो महीने उस पर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसके बाद हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है। उनके ग्राउंड्स अलग थे, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, उनकी स्टोरी अलग थी। तो कोर्ट भी ये बोलता है कि एवरी साइटेशन हैज़ टू बी सीन एज पर द केस, देयर कैन नॉट बी नो फॉर्मूला जॉकेट। तो इसमें भी वही लागू होगा कि देयर वुड बी नो फॉर्मूला जॉकेट, द साइटेशन हैज़ टू बी रीड। अभी उन्होंने आज साइटेशन दिए है, हम भी उसका जवाब साइटेशन में ही देंगे। आपको बता दें कि कल शुजान खान की ओर से उनके वकील ने उनका पक्ष रखा है, जितने भी यहाँ पर सवाल जवाब थे वो यहाँ पर शुजान से किए गए हैं, और अब वक्त आ चुका है तुनिशा के केस में उनके वकील की ओर से पक्ष रखने का। कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि अगली सुनवाई यानी कि जो कल 11 जनवरी को होगी, इस सुनवाई में तुनिशा का पूरा परिवार मौजूद रहे, क्योंकि पिछली सुनवाई में सिर्फ तुनिशा के मामा पहुंचे थे, तुनिशा की माँ नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद अब यह आदेश दिया गया है कि तुनिशा की माँ को भी वहां पर पहुंचना होगा और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नए बॉयफ्रेंड का जो एंगल अब इस केस में शुजान के वकील की ओर से दिया गया है, इस पर आखिरकार तुनिशा के वकील या फिर तुनिशा का परिवार क्या कहता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।